नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंस के बारे में। 2022 की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर 2022 में कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि कौन से स्पेसिफिक शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि 2022 में कौन कौन से सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज होती हैं, तो कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 कंपनीज के बारे में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं 2022 में। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर, और इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए विथ रीजंस। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं वो टॉप 10 शेयर्स कौन से हैं और क्यों इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए इनमें। आज की जो वीडियो है यहाँ पर मैं अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनीज के बारे में बताने वाला हूँ, तो हर एक सेक्टर की कंपनी अलग है और हर एक कंपनी का सेक्टर अलग है। तो आज की इस वीडियो के किसी भी शेयर्स को मिस मत करना, किसी भी पॉइंट को मिस मत करना। सबसे पहली कंपनी जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो वो है आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल ने रिसेंट डेज में डिविडेंड अनाउंस किया था और इसी डिविडेंड की वजह से उसके इन्वेस्टर्स की काफी ज्यादा अर्निंग हुई थी। और रिसेंट मीटिंग में आदित्य बिरला कैपिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यह भी कहा है कि कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा उसका 40-50% जो है वो एज ए डिविडेंड दे देंगे। और तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर मैं रिसेंट ईयर्स की बात करूँ तो कंपनी का रेवेन्यू भी काफी ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा है। सेकंड कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो है गेल इंडिया। पिछले कई सालों से गेल इंडिया ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे डिविडेंड पे किए हैं और इसी के साथ साथ इस कंपनी के शेयर्स भी काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और जब कभी भी मार्केट गिरता है तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करने का बहुत सही टाइम होता है। तीसरी कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो वो है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक ने रिसेंटली इंडिया का सबसे बड़ा डिविडेंड डिक्लेयर किया था और यहां पर इसके इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा डिविडेंड मिले हैं। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान जिंक जो है वो इंडिया की एक मोनोपोली कंपनी है, और अगर आप इन मोनोपोली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो काफी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। और मोनोपोली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करने का फायदा क्या होता है इसके बारे में मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद में। अगली कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो वो है फार्मा सेक्टर से। इसका नाम है आईपीसीए लैब्स। रिसेंटली आईपीसीए लैब्स का आईपीओ आया था और यहां पर इसके इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिले थे। अगर 2022 में भी 2020 और 21 की तरह कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते हैं तो यहां पर फार्मा सेक्टर में काफी ज्यादा आ सकता है। और इसके बारे में मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि इसके पीछे का रीजन क्या होता है। जब कभी भी इकोनॉमी में क्राइसिस आता है या कोई भी बीमारी आती है बड़ी, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी में फार्मा कंपनीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, यानी मेडिसिन की डिमांड बढ़ जाती है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में फार्मा सेक्टर की कंपनीज में काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई देता है। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो महिंद्रा एंड महिंद्रा में। जैसे कि आपको पहले ही पता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ट्रेंड मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है और बहुत सारी कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में अपना काम करने वाली है, और इसी के साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के स्पेस में काम कर रहा है, और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के स्पेस के साथ साथ बहुत सारी चीजों में डाइवर्ट किया है। तो अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो यहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी का बिजनेस जो है वो बहुत सारे वर्टिकल्स में है, और इसी के साथ साथ कंपनी को प्रॉफिट्स काफी ज्यादा होते हैं। इसके बाद अगर 2022 में किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आपको बैंकिंग या फाइनेंस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि बैंकिंग और फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पर अगली कंपनी जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो वो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। आप लोगों ने मैक्स के बारे में तो बहुत बार सुना होगा, मैक्स भूपा लाइफ की इंश्योरेंस होती है और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है ये कंपनी। तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ने बहुत सारी कंपनीज के साथ टाइप किया है और अलग अलग प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है मार्केट। तो जैसे जैसे फार्मा सेक्टर की डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे लोग इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, इंश्योरेंस भी करते हैं। अगर 2022 में आप इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आप काफी अच्छा काम करेंगे। अगली कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो वो है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज अलग है और मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट अलग है, तो ये भी एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है और यहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स कमा पाओगे। थर्ड लास्ट कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं पर्सनली इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूं, तो मैं आपको भी रिकमेंड करता हूं कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट बैंक है, और जितनी श्रीलंका की पॉपुलेशन नहीं है उतने एसबीआई बैंक के कस्टमर्स हैं। तो आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हो कि एसबीआई बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहिए। सेकंड लास्ट कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो वो है टेक महिंद्रा। अब टेक महिंद्रा के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना है इसके बारे में गेस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं एंटरटेनमेंट सेक्टर की जे एंटरटेनमेंट में। अगर मैं रीसेंट डेज की बात करूँ तो रीसेंट डेज में जे एंटरटेनमेंट जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था, बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि सोनी और जे ने टाइप किया था एक दूसरे के साथ और यहाँ पर अपने बिजनेस को अलग तरीके से चलाने वाले हैं।
तो अगर आप जी एंटरटेनमेंट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आप फ्यूचर में डेफिनेटली ग्रो करोगे, क्योंकि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करने वाली है और यहाँ पर मैंने भी इन्वेस्टमेंट्स किया है। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूँ कि आज की इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको ये तो पता चल गया है कि 2022 में कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।